म्यूजिक से जुड़ी हर बात जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाएं हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वॉइस अगर क्रैक हो जाए तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे। कभी कभी वॉइस खुद भी क्रैक हो जाती है, कभी कभी कुछ गलत तरीके से रियाज करने से भी हो जाती है, या कभी कभी आप सही भी रियाज अगर कर रहे हैं तो भी हो जाती है। फिर उसको ठीक कैसे करेंगे, या क्या सही वक्त है, क्या सही समय है उसको ठीक करने का, और भी सारी बहुत चीज़ें हैं। जैसे कि अगर वॉइस क्रैक हो जाए या वॉइस ख़राब हो तो हम लोग उसको क्या करें, क्या हाई स्केल में रियाज करें या क्या करें, तो सब कुछ हमें जानते हैं इस वीडियो में। ये सबसे पहले कुछ सुनते हैं। तो जग में शर्म रख मेरे, तू इस तो ही पाक परवरदिगार, तू इस तो ही पाक परवरदिगार, तू जग में शर्म रख मेरे। हाँ पैदा किए की लाज तुम्हें को, तुम दाता हम चरित्र, तू जग में शर्म रख मेरे। होती है वॉइस खराब होने के बहुत सारे कारण हैं। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जस्ट सो के उठा हूँ 10 मिनट पहले, तो इस वक्त भी गले पे ये इफेक्ट रहता है कि बहुत जल्दी शुरू में नहीं लगता है, गले में बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी सब कुछ भरा रहता है, ये होता है। कुछ देर बाद रियाज करने के बाद धीरे धीरे ठीक हो जाता है। मेन जो पॉइंट है वो वॉइस क्रैकिंग का, कि जब एक एज चेंज होता है ना, जैसे 16 to 17, 16 से 17 साल, 18 साल, या 15 से 16, या 14, 15, 16, 17, ये जो एज है ना, इसमें वॉइस चेंज होने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है कि हाँ ये होगा ही होगा। तो वॉइस क्रैक होता है, वॉइस टूटता है, तो उस पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका स्केल है जिस पे आप अच्छे से रियाज कर पाएंगे उस पे अच्छे से बस रियाज करते जाइए। जो लेसन्स हैं, जो आप लेसन्स कर रहे हैं, सरगम पाल्टा जो अलंकार्स हैं, खूब कीजिए। समय आएगा जब वॉइस सेट हो जाएगा अपने आप, तो वो फिर सुर में आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि वॉइस क्रैकिंग के वक्त आप होल्डिंग नोट्स कीजिए, लेसन्स कीजिए, जो लेसन चल रहे हैं वो करते रहिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। कुछ दिन प्रॉब्लम होगा पर फिर ठीक हो जाएगा। मेरी जो वॉइस थी वो बहुत दिनों बाद जाके क्रैक हुई, जैसे 20 साल जब मैं शुरू किया सीखना उस वक्त ही क्रैक हो रही थी, पहले नहीं हुई, उस वक्त टूटना शुरू हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ ठीक करने में। तो बस ये जो पाल्टा सब है यही आपका पूरा का पूरा हेल्प करेगा। और भी होती है कि जैसे शुरुआत में बैठे हैं, सीखना शुरू किए, इसके पहले कभी रियाज नहीं किए, तो सीखना शुरू किए, सा गा रहे हैं, आगे जो सरगम कोई मिला घंटों गा रहे हैं उसे, मतलब अचानक लगातार टाइमिंग बढ़ा देना रियाज का, तो वो अचानक गले पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, तो उस वक्त भी गला थोड़ा ख़राब होने का चांस रहता है। तो उसमें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट नॉर्मल जो रियाज है वो कीजिए। अगर गला आपका ख़राब हो गया हो रियाज करते करते, तो और रियाज करते वक्त ऐसा भी होता है कि गला बैठ जाता है अक्सर, ज़्यादातर शुरुआती में, तो वो सबका होता है, मेरा भी होता है। वॉइस का क्वालिटी होता है अलग अलग सबका, जिसका थोड़ा हस्की वॉइस है या जो भी हो, तो गला थोड़ा पहले बैठा हुआ दिखेगा, तो गला थक जाता है रियाज के बाद, इसलिए ऐसा होता है। फिर थोड़ा रेस्ट कीजिए, फिर रियाज शुरू कीजिए, होते होते एक वक्त आएगा कि आपका सब कुछ फिर ठीक हो जाएगा।
तो बस ये एकदम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ शुरू कीजिए कि रियाज कभी नहीं रोकना है, रियाज करते ही रहना है। और मेन जो रियाज है वो लेसन्स का है, पूरे लेसन्स को गले में लाना है मुझे, तो यही आपका गला बनाएगा और आगे काम देगा। तो बस इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, और कोई भी अगर बात हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आप फेसबुक पेज को हमारा लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से इंडियन म्यूज़िक आर्ट को लाइक करें, वहाँ और भी अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको। धन्यवाद।